ऑफ हो जा रहा है। ऑन है ना? चल ठीक। यस यू वांटेड स्टैंड अप, ये बोलना चाह रही थी। हाँ अब बनाओ, आज शनिवार है, टुडे इज सैटरडे, इट्स राइट आंसर? नो सर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द कैटेगरी ऑफ नो सर? इट्स रॉन्ग, स्टैंड अप। व्हाई नॉट टुडे इज सैटरडे? टुडे सैटरडे हो जाएगा ना? तो इट इज सैटरडे, टुडे बोलने की क्या जरूरत है? एक्चुअल में जरूरत है, क्योंकि टुडे सैटरडे रॉन्ग है। पूछो ना कैसे। अगर बोल देते हम लोग, समझ लो थोड़ा एक सेंटेंस को समझना, राम बीमार है तो क्या बनाते हो? राम इज सिक या राम इज इल बोलते हैं ना हम लोग। तो अगर हम लोग बोलते हैं आज शनिवार है और बना दोगे टुडे इज सैटरडे, तो रॉन्ग हो जाएगा ना भाई। टुडे फिर हम लोग को क्या लगेगा? टुडे नाम का कोई पर्सन है जो सैटरडे है, अंडरस्टैंड? तो हम लोग को क्या चीज बनाना चाहिए था? इट इज सैटरडे टुडे, अंडरस्टैंड? तो आपसे आज से क्या बनाएंगे? इट इज सैटरडे टुडे, आज मेरा जन्मदिन है। अरे मेरा, तो इट इज माई बर्थडे बनाओगे ना? और लोग क्या बना देते? टुडे इज माई बर्थडे। आप देखना कॉमन एरर है ऑफ इंग्लिश है ये सब। टुडे इज माई बर्थडे, ये कैसे बनता है ये सेंटेंस भाई? टुडे इज माई बर्थडे, इट इज माई बर्थडे टुडे होना चाहिए ना, है ना? चलिए तो आज यही सब कॉमन चीजों को जानेंगे हम लोग। ऊपर कॉपी में आप लोग हेडिंग दे देंगे, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ इट। बैठ जाओ बोथ ऑफ यू, प्लेस सीट। आप लोग हेडिंग देंगे, बैठो बैठो, क्या यहां तो स्पेस है? कम हियर कम हियर कम हियर, यहां तो स्पेस है, आराम से बैठो। यू ऑल्सो बैठे दो, इसको जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, डोंट किल टाइम। कॉपी में हेडिंग दीजिए, बिकॉज यू डोंट हैव टू मच टाइम। यूज ऑफ इट, कॉपी में हेडिंग दे दो। दे दिया? चलिए एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, इंग्लिश में जो इट होता है, इट आई टी, समझिएगा, पेन ड्रॉप कर लीजिए पहले, समझिए। इट को हम लोग बोलते हैं डमी सब्जेक्ट। इट जो होता है हमारे इंग्लिश में, इसको डमी सब्जेक्ट बोला जाता है। सर डमी क्या होता है? डमी एक बार एक्सप्लेन करो। हैव यू एवर बीन टू क्लॉथ शॉप? कभी कपड़े की दुकान पर गए हैं? ओके yes. कपड़े की दुकान पर बाहर आपको एक स्टेचू दिखेगा मेरे जैसा, जिसको थोड़ा सा वियरिंग करके खड़ा कर दिया जाता है, थोड़ा कपड़ा वपड़ा डाल करके खड़ा किया जाता है ना। नाउ कभी सोचा है कि उस जगह पर ऐसा करते हैं कि कोई सर जो डमी सब्जेक्ट्स है, कोई जो सब्जेक्ट वहां पे खड़ा है उसके जगह पर एक काम कर लेते हैं सर, उसको हटाते हैं और कोई ह्यूमन बींग को देते तो ज्यादा अच्छा होता ना। सोच के देखो, एक जैसे पुतला होता है, पुतला को पहना करके रख दिया जाता है तो वो एक ही पोर्शन में खड़ा रहता है ना, तो क्यों ना उसको रिप्लेस कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए कि उसको पुतला को हटा करके वहां कोई इंसान को रख दिया जाए, है ना। तो इंसान क्या है ना, दो चार तरह का डायरेक्शन भी दिखा सकता है। पहले एक घंटे में ऐसे खड़ा रहेगा, फिर दूसरे घंटे में ऐसे रहेगा, तीसरे घंटे में ऐसे रहेगा, हो सकता है कि नहीं ऐसा? यस सर, इडियट, कैसे हो सकता है ऐसा? इंसान को रख सकते हो वहां पर? तो फिर यस नो दोनों कैसे कंफ्यूजन करते हैं आप लोग हमको? इंसान को क्यों नहीं रखा जा सकता पहले ये बताओ, क्योंकि सर वो इंसान है, द बिगेस्ट एंड द वर्स्ट क्रिएचर ऑफ दिस प्लैनेट, इस ग्रह का सबसे खतरनाक जानवर, जो एक घंटे में क्या सर, एक घंटे एक पोर्शन में खड़ा भी नहीं रह सकता है वो। इसीलिए क्या लिया जाता है कि इंसान नहीं हो सकता है, इसलिए इंसान के जैसा एक पुतला वहां रख दिया जाता है, रखा जाता है ना। एग्जैक्टली इंग्लिश में इट को क्या बोला जाता है? डमी सब्जेक्ट। मतलब सर डमी क्या मतलब, समझो एक सेंटेंस को देखो, अगर हम देते हैं सिर्फ एक सेंटेंस, शनिवार है, अंडरस्टैंड? ठीक है, शनिवार है, तो आप इसको कैसे फ्रेम कीजिएगा शनिवार है को? बात को समझिए, आपने अपने मन से क्या लगा दिया? इट को लगाया, क्योंकि आपको क्या नहीं मिला था यहां पर? एक आपको सब्जेक्ट का एब्सेंस मिल रहा था, यहां पर आपको क्या नहीं दिखा? सब्जेक्ट नहीं दिखा। तो मतलब डमी उसको बोला जाता है जब कोई सेंटेंस आप फ्रेम कर रहे हैं और वहां पर आपको क्या नहीं दिखे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर आपको नहीं दिखा तो आप किसका यूज करेंगे? इट का। यानी कि अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज, सॉरी, अगर डायरेक्ट हम इसको बनाते हैं,
अगर कोई पूछे इट क्या है तो आप लोग सबसे पहले लिखना इट इज ए, सॉरी ऑफ कोर्स इट इज ए डमी सब्जेक्ट। इट को क्या बोला जाता है? एक डमी सब्जेक्ट। इट को एक डमी सब्जेक्ट बोलेंगे। इट इज ए कॉल्ड ए डमी सब्जेक्ट। कहां पर किसका स्पेस कौन कवर कर लिया? जल्दी जल्दी बैठिए प्लीज। व्हाट वाज द टाइम? टाइम यही था ना, तो फिर जल्दी 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 प्लीज 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 प्लीज। इट को क्या बोला जाता है? एक डमी सब्जेक्ट। अब कुछ ऐसा प्लेस हम आपको बता रहे हैं, आवाज माइक का आवाज नहीं है, पंखा का आवाज, वही पंखा आपको रोक रहा है, माइक का यही आवाज है, माइक का आवाज शायद खराब है अभी। जल्दी बैठिए। इट को हम लोग क्या मान के चलेंगे अभी से? एक डमी सब्जेक्ट। थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप, डमी सब्जेक्ट ये तो है, लेकिन कौन कौन से प्लेस पर इसका यूज होता है? व्हेन यू आर डिस्प्लेइंग डेज, अगर आप डेज को दिखा रहे हैं तो किसका प्रयोग कीजिएगा? इट का, ठीक है। व्हेन यू आर शोइंग टाइम, अगर आप टाइम को डिस्प्ले कर रहे हैं तो किसका यूज करना है? इट का। अगर आप यूज कर रहे हैं मंथ को दिखा रहे हैं, मंथ्स भी अगर दिखा रहे हैं तो किसका यूज कर देना है? इट का। क्लियर हो रहा है? अगर आप सीजन दिखा रहे हैं, सीजन मतलब समझ रहे हैं, तो आपको इट का यूज करना है। अगर आप थोड़ा सा टाइम ऑफ डे दिखा रहे हैं, जैसे मॉर्निंग होता है, टाइम ऑफ डे इवनिंग होता है, ये सब दिखा रहे, तो किसका यूज करना है? डे का। अगर आप ईयर शो कर रहे हैं, ईयर में भी किसको चलाना होगा? इट को। अब जैसे एक सेंटेंस प्रेजेंट में अगर हम बना रहे हैं, थोड़ा और एक चीज समझ लीजिए, अगर आप प्रेजेंट में सेंटेंस को फ्रेम कर रहे हैं तो इट के साथ इज का यूज कीजिए और प्लस फिर क्या दे दीजिए? अदर वर्ड। जैसे अगर आप बना रहे हैं, अभी कौन सा मंथ है? अगस्त है ना, तो अगस्त का महीना है, किसी ने बोला ऐसा बात, ठीक है, अगस्त का महीना है, तो आप सिंपली क्या बनाइए? इट इज अगस्त। क्यों बनाएंगे इट इज अगस्त? मंथ कहां गया सर? अरे भैया अगस्त इज ऑलरेडी द नेम ऑफ मंथ, अगस्त पहले से किसका नाम है? मंथ का नाम है, तो इट इज मंथ ऑफ अगस्त बोलने का जरूरत नहीं है। अगर आप पास्ट में बना रहे हैं तो इट के जगह पर क्या हो जाए? इज के जगह पर क्या कर देना आपको? वाज प्लस अदर वर्ड। जैसे कल फ्राइडे था, क्या बनाइएगा? एक्सीलेंट, क्या बना देंगे? इट वाज फ्राइडे कब? कल का? यस्टरडे। अंडरस्टैंड? और अगर फ्यूचर पे बना रहे हो तो आप लोग क्या बना लोगे? इट प्लस विल प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। अगर फ्यूचर पे बना रहे हैं तो इट प्लस विल करके, जैसे 2024 होगा, सिंपल सा सेंटेंस आ रहा है 2024 होगा, तो आप क्या बना लोगे? इट विल बी 2024, ठीक है। तो एक चीज का बेसिक चीज समझिएगा कि इट को अभी से हम लोग कंसीडर करेंगे क्या? एक डमी सब्जेक्ट है। इट का एक्चुअल में अर्थ होता है, इट का एक्चुअल अर्थ क्या निकलता है? यह। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर यह नहीं लिखा हुआ रहेगा और आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? इट का। व्हाट आर द बहुत जगह सर? वो सब बहुत जगह कौन कौन सा है? डेज है, टाइम है, मंथ है, सीजन है, टाइम ऑफ डे है और ईयर है, ये सब रहेगा। तो यह नहीं भी लिखा हुआ रहेगा फिर भी आपको किसका यूज करना है? इट का। बिफोर यू राइट डाउन दिस वन, लेट मी प्रैक्टिस ऑफ दिस। इससे पहले कि आप इसको लिख लें, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करेंगे। अभी मत लिखिएगा, अभी मत लिखिएगा, पहले कमांड कर लो तभी इसको लिखना, ठीक है। जैसे यू स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। परसों संडे, परसों मंडे होगा ना? हाँ चलो परसों मंडे होगा, जल्दी से बनाओ। नहीं, इट विल बी मंडे तो ठीक है, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, मतलब डे आफ्टर टुमारो का मतलब परसों, ठीक है। सिट नाउ, ओके ओके, यू स्टैंड अप। आज गर्मी है, बनाओ, आज गर्मी है। इट इज हॉट टुडे, आज क्या बनाना है? इट इज हॉट टुडे, टेक अ सीट नाउ, यू स्टैंड अप, यस माय फेलो। हाँ कल ठंड था, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, ओके ओके। इट वाज, इट वाज होता होता, इट वाज, इट वाज कोल्ड यस्टरडे, इट वाज कोल्ड यस्टरडे, टेक अ सीट नाउ, यू स्टैंड अप। आप बता दो, 1983 था जब भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता। सर ये लेवल टू है, अब लेवल टू, थोड़ा सा आगे तो बढ़ेंगे ना, चलो बना बन जाएगा। 1983 था, इतना बता दो, बाकी हम समझ लेंगे, बाकी इतने लोग है ना, कॉपरेट करेंगे हम लोग को, बना। 1983 था, क्या बनाएगा?
लेट हिम मेक, लेट हर मेक, सॉरी बनाओ. और नहीं 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 थोड़ा सबर रखिए. 1983 था, इट वाज, बोलो, इट वाज 1983 जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता. जब का क्या होता है? बस हो गया. जब भारत का क्या होगा? इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप. अंडरस्टूड? व्हेन इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप. छोटे छोटे रास्ते से ही निकलोगे ना तो बाईपास मिलेगा. आप अगर सोच के रखें कि सडनली हम एक बड़ा सा सेंटेंस बनाएंगे तो गलत फहमी पाल लिए हैं. ऐसे नहीं बनता है, ठीक है? कम्युनिकेशन इनहेंस करना है तो छोटे छोटे सेंटेंस से शुरुआत करना पड़ेगा. और डरिए मत, नेक्स्ट टाइम से बनाने की कोशिश कीजिए. टेक यू सीट. ओके, नाउ यू स्टैंड अप. नो नो, मैन इन ब्लैक. ओके, व्हेन इज योर बर्थडे? 18 अगस्त. 16, तो योर बर्थडे हैज बीन पास्ट. Your birthday has been passed, निकल गया. Happy birthday, belated. अब जो चॉकलेट उधार है वो कल दे देना हमको, ठीक है? चलो अब बनाओ. 16 अगस्त था जब मेरा जन्म हुआ. वाओ, क्या सेंटेंस दिए सर. इसी को बनाने दो ना, मौका देंगे सबको, सबको दे देंगे मौका. अंडरस्टैंड? 16 अगस्त था जब मेरा जन्म हुआ. हाँ, when I was born. Excellent. It was 16 August when I was born. कितना बढ़िया बढ़िया सेंटेंस बना रहा है. Wow, excellent. Take a seat now. बहुत अच्छा, माइंड फ्रेश हो गया. Back benches always create history. So now the history repeats. You stand up. Man is sitting the corner. अरे तुम जो बनाओगे कोई नहीं बना पाएगा. चलो 2024 होगा जब भारत वर्ल्ड कप जीतेगा. और 23 में है. सॉरी 23 है. 2023 होगा, है अभी चल ही रहा है, लेकिन होगा पे बना लो जब भारत वर्ल्ड कप जीतेगा. इधर देखो, दोस्त हेल्प नहीं करेंगे, हम करेंगे आपको. 2023 होगा, बनाओ. 2023 होगा, मजा आएगा तुमसे. 2023 होगा. इडियट, यहां पर सेंटेंस देख रहा है, इट विल भी लिखा हुआ है ना? नहीं पता है, कॉन्फिडेंस लूज कर दिया अपना. बनाओ, इट विल बी 2023. क्या बोलेगा? इट विल बी 2023 जब भारत वर्ल्ड कप जीतेगा. जब का क्या होगा? When India will win the World Cup. कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना. जहां तक सेंटेंस बनेगा बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो? ऐसे नहीं कि नहीं बनेगा, मतलब कि न्यूट्रल बैठे हो. ए टू जेड का अल्फाबेट आता है ना, तो बस हो गया. बहुत चीज आता है, बहुत बहुत ज्यादा. टेक अ सीट नाउ. यू स्टैंड अप. मैन इन ग्रीन चेक, हाउ आर यू? I am tired. Okay. I am tired. Okay. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. अक्टूबर होगा जब मैं घर जाऊंगा. When I will go home. बहुत अच्छा, बैठ जाओ. कितना बढ़िया बना दिया सेंटेंस को. एक्सीलेंट. ऐसे ऐसे सेंटेंस बनेंगे तब तो कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाएगा. स्टैंड अप. चिराग तले अंधेरा. हम आगे पूछ रहे थे, यहां ध्यान ही नहीं दिए. ओके, आप बताइए. सुबह था जब मैं आई थी. जब मैं आऊंगी, जब मैं आई थी, पास्ट में चले जाओ. इट वॉज मॉर्निंग वेन आई केम, है ना? बहुत अच्छा. नेक्स्ट आप बताइए, आप बताइए. आपको बताना है ग्रीष्म ऋतु था जब मैं घर गई थी. गर्मी का मौसम था जब मैं घर गई थी. जब मैं घर गई थी. इट वॉज समर when I went to house, when I went home, है ना? टेक अ सीट नाउ. सो नाउ यू हैव द अथॉरिटी टू राइट दिस वन. यू गॉट टू मिनट्स टू राइट दिस वन. 2 मिनट दिया आपको लिखने के लिए. क्विकली जल्दी से.
डन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव द नॉलेज ऑफ लुकिंग टाइम? समय देखना किसको किसको आता है? पूछना भी आता है? आता है? स्टैंड अप, स्टैंड अप। व्हाट्स योर नेम? ओके, आस्क मी द टाइम। व्हाट इज द टाइम? वेयर इज योर हाउस? Tatijariya. Do you have garden in your house? Do you have field? Khet vet hai? Okay. Have I ever planted anything in your field? Hum kabhi aapke field mein kuch aisa jaake lagaye hain jisse ki aap humse gussa hain? Nahi. To kis baat se time puch rahi hain aise humse? What is the time? Aise pucha jata hai kisi se time? When you ask the time from someone, you actually spoil the time of someone. एक बार और पूछा हमसे टाइम, ऐसे ही जैसे पूछा था, what is the time? यही पूछा था ना? जब टाइम पूछ रहे हो तो तुम सोच के देखो, हमको टाइम देखना होगा ना, तो मेरा टाइम खराब किया कि नहीं किया? Now, do you have any idea how to ask time? और बताइए किसको किसको टाइम पूछने आता है? बताने तो हम तुरंत बता देंगे आपको। ऐसे बताने भी आता है आपको? हाँ बोलो, हाँ आप बताएगा भी नहीं स्टूडेंट। हाउ टू टेल द टाइम? टाइम कैसे बताओगे? इट्स 4 PM। एक्चुअली 4 PM हो नहीं रहा है, देखो उधर घड़ी देखो लो, एग्जाम्पल था। अच्छा ऐसे मान लो अभी अगर 11:45 हो रहा है तो आप टाइम कैसे बताओगे? इट इज पास्ट क्वार्टर टू, इट इज, इट इज 12:15। मैंने 12:15 बज गया। इट इज क्वार्टर टू, इट इज 2 o'clock, इट इज 12 o'clock। 15 मिनट तो सर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इंडिया में तो ऐसे भी बोल देते हम लोग, 12:45 बज रहा है तो 12 बज गया क्या? चलिए बहुत अच्छा, थोड़ा सा अभी हम आपको ईट बता ही रहे हैं तो थोड़ा टाइम भी बता देंगे तुरंत 2 मिनट में। हाँ इसको अगर लिख लिए तो इरेज करते हैं, हम इरेज कर लें। ओके सो लेट मी इरेज। ऊपर आप लोग थोड़ा सा नीचे हेडिंग दे दीजिएगा, टाइम जोन, टाइम जोन करके हेडिंग दे दीजिए आप। हाँ उसी के नीचे जैसे यूज ऑफ एट लिखे हो ना अभी इतना, उसके ठीक नीचे दे दीजिएगा टाइम जोन। ओके सबसे पहले हाउ टू आस्क टाइम, हम लोग टाइम को पूछेंगे कैसे? हाउ टू आस्क टाइम, ठीक है? सबसे पहला ऐसे पूछ सकते हो, मे आई नो द टाइम, हम लोग पूछते हैं ना, मे आई नो द टाइम, दिस इज द फर्स्ट वन। या फिर आप पूछ सकते हैं, आपने पूछा था ना व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम, तो इसके पहले छोटा सा एक चीज जोड़ दो ना, क्लियर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी बोल दो, काम हो जाना है तुम्हारा। जो आप बोल रहे थे ना व्हाट इज द टाइम, सिंपली क्या जोड़ दो इसके पहले, एक्सक्यूज मी व्हाट इज द टाइम। नाउ जब टाइम बताओगे दो तीन चीजों का ख्याल रखना, अपने आप टाइम क्लियर हो जाएगा। एक होता है पास्ट, पास्ट का मतलब क्या होता है? बीत गया, ये जानिए रखिए। टू, टू का मतलब क्या होता है? बाकी, जैसे होता है ना 4-10 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी बोलते हैं हम लोग। एक होता है पास्ट, सॉरी पास्ट तो हो गया आपका, एक आप लिख लीजिएगा क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या हो गया? सावा बोलते हैं ना हम लोग, सावा या पौने बोला जाता है ना, दोनों हो जाएगा। और एक हाफ याद रखिएगा, हाफ का मतलब क्या हो गया? आधा, ठीक है? चलो एक रेंज ले लेते हैं, सुबह 9 बजे का, ठीक है? मान लो 9 बज रहा है तो इसको कैसे डिस्प्ले करेंगे? सिंपली क्या बोलोगे? इट इज 9 o'clock, 9:05 हो रहा है। नाउ देखिए पहले कितना बीत गया, 5 मिनट बीत गया, किसका? 9 बजे का। तो हम लोग क्या बना देंगे?
It is 9:05. 9:10 भी हो जाएगा. It is 9:10. 9:15 भी हो जाएगा. अब 9:15 तो नहीं बोलते, 9:15 बोलते हम लोग. तो 15 को 9:15 बोल दोगे, क्या बना दोगे? इट इज 9:15. 9:20 भी होगा, क्या बोल दोगे? इट इज 9:20. 9:25 में भी कर लोगे? 9:25. अगर 9:30 हो रहा है तो हाफ बीत गया. इट इज 9:30. ठीक है, 9:35 में भी हो जाएगा काम. 35 कर देना. 9:45 में क्या कर लोगे? इट इज 40. 9:45 जब आएगा तो रुक जाना है. ठीक है, अब एक बात बताइए, 9:45 को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? 9:45, मतलब आने वाले टाइम को इंपॉर्टेंस देते हैं, जो गया सो गया. बात समझ रहे हैं? तो इसको 9:45 को हम लोग कैसे बोलेंगे सर? इसको बोलना है इट इज 9:45, मतलब क्वार्टर बचा हुआ है, यानी कि यहां के बाद 9:30 नहीं, 9:45 के बाद से आपको आने वाले टाइम को इंपॉर्टेंस देना, जाने वाले का नहीं. और जैसे आने वाले टाइम को इंपॉर्टेंस देगा, पास्ट का रोल खत्म, किसका शुरू हो जाता है? 2 का. 9:50 हो रहा है तो हम लोग 9:50 नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं 10 मिनट बाकी है. कितना बजने में? 10 बजने में. तो उस कंडीशन में आप क्या बोलिए? इट इज 10:50. ठीक है, 9:55 हो रहा है तो क्या बोल देंगे आप? इट इज 5:50. अगर 9:56 हो रहा है या 9:57 हो रहा है या 9:58 हो रहा है और आपको बोलना है, तो आप इसको सिंपली बोल सकते हैं इट इज जस्ट ऑन 10. क्या ऑन होने वाला है? 10. और ऑफ क्या हो गया? 9. बात समझ रहे हैं? उसके बाद आप लोग जस्ट ऑन करके बना सकते हैं. तो ध्यान क्या देना था हम लोग को? ध्यान हम लोग को देना है कि 45 तक हम लोग किसका यूज कर लेंगे? पास्ट का. और उसके बाद हम लोग किसका यूज करेंगे? 2 का. क्वार्टर का मतलब 9:15 भी हो गया, क्वार्टर का मतलब 9:45 भी हो जाता है. क्लियर हो गया? गॉट 1 मिनट टू राइट दिस वन. 2 मिनट्स राइट दिस वन. Sorry.
डन। Finished? Okay. In English there are two dummy subjects. English में एक dummy subject नहीं है, दो दो है। तो एक का तो discussion it तो हम लोग जान ही रहे हैं, एक और कर लेते हैं। जैसे एक sentence है मेरा, you stand up, man in half t-shirt, you stand up। जैसे एक sentence है मेरा, राम एक लड़का है, क्या sentence बनाओगे? Wait a minute, let him make। हाँ, राम एक लड़का है, क्या बनाओगे? Excellent। वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। अच्छा ठीक है, अगर हम देते हैं यह एक लड़का है तो दिस इज अ बॉय, बोल रहे हैं क्या आप? चलिए बहुत अच्छा। और अगर सेंटेंस देते हैं एक लड़का है तो वेट वेट होल्ड ऑन होल्ड ऑन, एक लड़का है। Am I speaking the correct Hindi or not? पहले tell me। पहले ये तो बता दो हिंदी मेरा सही है या नहीं है। हम I'm telling only एक लड़का है, एक लड़का है, सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं। What are you making? क्या बनाया? There is a boy। There का यूज क्यों कर दिया? नहीं समझ में आया, there का यूज क्यों कर दिया? पानी है, स्टैंड अप, पानी है, क्या बनाओगे? पानी है, देयर इज वाटर क्यों बना रहे हो? देयर का यूज क्यों किया? करना पड़ेगा ना सर, देयर का यूज तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट टेलिंग एनी सब्जेक्ट, आप कुछ सब्जेक्ट तो बोले नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर हम बोलते हैं नदी में पानी है तो नदी में पानी है। अच्छा देयर इज वाटर इन द रिवर, यही बनाओगे ना? तो आपने बिना कुछ बताए किसका यूज किया? देयर का। क्यों किया देयर का यूज? बिकॉज इन इंग्लिश देयर टू डमी सब्जेक्ट, समझिएगा। बैठ जाइए और बैठ जाइए। आपका एक डमी सब्जेक्ट क्या था? इट। इट भी एक डमी सब्जेक्ट है, देयर भी एक डमी सब्जेक्ट होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इट का यूज स्पेसिफिक जगहों पर ही होता है जो हम आपको पहले लिखा दिए, टाइम था, डेट था, डेट्स था, ईयर था, ये सब में किसका यूज करेंगे आप? इट का। और देयर भी क्या होता है? एक डमी सब्जेक्ट है, लेकिन उसका कुछ खास स्थानों पर यूज होगा। जैसे आपका इट का खास स्थान हुआ था ना, देयर का कोई खास स्थान नहीं होता है, देयर वहां भी यूज हो जाएगा जहां पर आपको क्या नहीं दिखे, सब्जेक्ट नहीं दिखे। समझिएगा एक सेंटेंस, अगर कोई बोल रहा है बच्चा सोमवार है, ठीक है, और किसी ने कहा लड़का है, दोनों का सेंटेंस को समझिए, दोनों में सब्जेक्ट गायब, एक में क्या बोला गया सोमवार है और एक में क्या बोला गया लड़का है, तो दोनों में सब्जेक्ट आपका गायब है। लेकिन पहले और सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? पहले सेंटेंस में किसी खास डे का नाम बताया गया, सोमवार है, तो डे का नाम बताया गया और सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें किसको लेके आओगे? इट को, देयर को लेके नहीं आना है आपको। और सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस में जाइए, अगर कोई किसी ने कहा है सिर्फ लड़का है, ये तो कोई डेज या ईयर या फिर कोई चीज का नाम तो नहीं है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे हम लोग? देयर का। बात समझ रहे हैं? अगर कोई सेंटेंस आपको दिखे जिसमें क्या नहीं दिख रहा हो, सब्जेक्ट नहीं दिख रहा हो, सब्जेक्ट नहीं दिख रहा हो, लेकिन वो कोई डेज, कोई ईयर, कोई साल या फिर किसी टाइम का या किसी चीज का बोध नहीं करा रहा है, तो किसका यूज करना होगा? देयर का। कम ईयर, कम ईयर, यहां बैठो, यहां एडजस्ट करो, उसमें आपको किसका यूज करना पड़ेगा? देयर का। एक बात का ध्यान रखिएगा, देयर कहां पर यूज होता है? जब आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो, लेकिन वो कोई डेज या कोई मंथ का नाम डिस्प्ले नहीं करना हो, कर रहा हो, ऊपर आप हेडिंग दे दीजिए यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ देयर।
हाथ से भी मिट जाएगा, ऐसे ही रहने दो ना, डर्टी हैंड क्यों लगाएंगे इसमें। आप लोग ऊपर हेडिंग दे देंगे यूज ऑफ देयर, ठीक है। यूज ऑफ देयर दे दीजिएगा हेडिंग, ठीक है, यूज ऑफ देयर। अब समझिएगा देयर को भी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एक डमी सब्जेक्ट। देयर इज ए डमी सब्जेक्ट, ठीक है। इसका यूज वहां कर देना जहां पर आपको सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। सेंटेंस का जब प्रेजेंट में फ्रेमिंग कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, देयर प्लस इज या ऑब्लिक आर प्लस आप क्या दे दीजिए, अदर वर्ड्स। अगर सेंटेंस आ रहा है पानी है तो सिंपली हम लोग क्या बना लेंगे, देयर इज वाटर, ठीक है। अगर आपका पास्ट में जा रहा है सेंटेंस तो पास्ट में क्या बना लोगे, देयर प्लस वाज, या फिर इसको वर्ब से भी अटैच करते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका एक से अधिक हुआ तो कैसे अटैच करना पड़ेगा, वर्ब, देयर प्लस वाज वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बना दिए देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, ठीक है। और अगर फ्यूचर में बना रहे हो तो देयर प्लस विल प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। जैसे मेरे गांव में एक तालाब होगा तो क्या बना लोगे, देयर इज ए पॉन्ड इन माई कहां पर विलेज। एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम आपको लंबे लंबे सेंटेंस को फ्रेम करने देंगे तो लंबे सेंटेंस का कंसेप्ट याद रखिएगा, व्हाट प्लस वेयर के कंसेप्ट पर चलिएगा, व्हाट प्लस वेयर। मतलब सर पहले आपको देखना क्या है, बाद में देखिएगा कहां है। जैसे अभी क्या बोला, मेरे गांव में एक तालाब होगा तो क्या होगा, पहले ये बताइए, देयर इज ए पॉन्ड इन माई, पहले एक तालाब होगा, देयर इज ए पॉन्ड बना दिया कहां पर, इन माई विलेज, ठीक है। तो सेंटेंस का भी है, जब हम पूछेंगे आपसे फ्रेमिंग जब कीजिएगा तो थोड़ा बड़े बड़े सेंटेंस आएंगे, उसमें कंसेप्ट क्या रखना है, पहले व्हाट एंड देन आफ्टर वेयर, ठीक है। जैसे उस बच्चे से पूछ रहे हैं, स्टैंड अप, आपके पहले नहीं उसके पहले, आपके लिए सेंटेंस पूछते हैं, ठीक है। मोबाइल में बैलेंस है, बनाओ, बनाते हो ना पर डे ऐसा, मोबाइल में बैलेंस है क्या बना लोगे, हाँ कहां पर, वेयर बोला है देयर बोला, अच्छा देयर इज बैलेंस इन द मोबाइल, टेक ए सीट नाउ, बैठ जाइए, ओके। आप अपने दोस्त को स्टैंड अप कराइए, नेक्स्ट वन, शरीर में दर्द है, शरीर में दर्द है, वो अपने बना लेगा, जल्दी सुनाओ, शरीर में दर्द है इन द बॉडी, टेक ए सीट नाउ, स्टैंड अप। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं लेकिन मुझे संडे पसंद है, ऐसा सेंटेंस है, पूरा बनाओ, पूरा बनाओ, लेकिन मुझे संडे पसंद है कहाँ गया, टेक अ सीट नाउ, इसलिए तो बोले सुन लो पहले, देयर आर 7 days इन अ वीक बट आई लाइक संडे, ओके दैट्स वेरी नाइस, ओके। जैसे आपको देते हैं मौका, गुड़िया स्टैंड अप, यस स्टैंड अप। भारत में बहुत सारे राज्य हैं लेकिन मैं झारखंड में रहती हूँ, देर वाज कैसे हो गया, हाँ देर आर मेनी स्टेट्स, देर आर मेनी स्टेट्स कहाँ पे, हाँ देर आर मेनी स्टेट्स इन इंडिया लेकिन मैं कहाँ रहती हूँ, बट आई रिसाइड इन, टेक यू सीट, बट आई रिसाइड इन झारखंड, ओके। चलिए आपको दिए मौका, साइंस में बहुत सारे पेपर हैं लेकिन मुझे केमिस्ट्री पसंद है, इसी को बनाने दो ना, इसी को बनाने दो, यही बनाएंगे, केमिस्ट्री पसंद भी है इसको,
देर आर. इफ इट इज मोर देन एक तो क्या बनाएंगे आप? देर आर. बनाओ. साइंस में बहुत सारे क्या हैं? साइंस में बहुत सारे पेपर हैं, लेकिन मुझे केमिस्ट्री पसंद है. हाँ, मेनी पेपर इन साइंस बट आई लाइक. हाँ बोलिए, नहीं बोलिएगा ना तो दबे रह जाएंगे. ठीक है, बोलिए, सेंटेंस को बोलिए. जैसे ये कैसे बोलती है, देखिए, स्टैंड अप. मेरे बैग में दो पेन है, दोनों पेन नए हैं. देखो कैसे बोलेगी. पेन या पेन्स? देर आर टू पेन्स. देर आर टू पेन्स इन. इन के बाद खींच क्यों रहे हैं इसको? इनको इन कहां पर है? इन माई बैग. और दोनों पेन नए हैं. एंड बोथ पेन आर न्यू. सेंटेंस बनाइए. बोथ पेन आर न्यू. देखेंगे. टेक यू सीट नाउ. मैन इन कैप हिमेशम. स्टैंड अप प्लीज. एचआर. यस. तेरा सुरूर. बाहर एक लड़का है जो मेरा दोस्त है. देखो कैसे बनता है सेंटेंस. देखो. आउटसाइड जो मेरा भाई है. बट नहीं, जो का क्या होता है? हु होता है. और अगर थिंग्स के लिए यूज कर रहे हैं तो? अगर पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं जो, तो हु करते हैं. ठीक है. और थिंग्स के लिए करोगे ना तो क्या करना होगा? विच. ठीक है. तो देर इज ए बॉय आउटसाइड जो मेरा भाई है. यही ना बनाना है. क्या बनाओगे? और जो मेरे दोस्त है ना, सॉरी, क्या बनाएगा? हु इज माई फ्रेंड. बैठ जाओ पीछे. स्टैंड अप. मेरे बैग में एक घड़ी है जो महंगी है. कॉस्टली. मेरे बैग में घड़ी है जो महंगी है. लेट ही मेक इसको बनाने दो. देर इज ए वॉच इन माई बैग जो कि महंगी है. विच इज एक्सपेंसिव या कॉस्टली भी दे सकते हो. विच इज कॉस्टली. विच का यूज क्यों हुआ? चलिए, क्योंकि सर आपने वॉच के लिए किसका यूज किया है? माने जो का, तो इसके लिए विच हो गया. टेक अ सीट नाउ. जैसे एक और देते हैं आपसे. मेरे गांव में 10 स्कूल हैं और सभी स्कूल अच्छे हैं. माने जो आता है सेंटेंस बोल देते हैं. मेरे गांव में 10 स्कूल हैं और सभी स्कूल अच्छे हैं. लेट हर मेक. प्लीज गिव हर टाइम. देखो, देर आर माई विलेज इन 10 स्कूल. अरे इडियट, ऐसा नहीं बोलना है. पहले बोलना है मेरे गांव में क्या है? 10 स्कूल है. क्या है पहले? क्या है फोकस करो. क्या है पहले ये बताओ. पहले वाट पर अटेंटिव होना, ठीक है, फिर वेयर पर जाना. क्या है पहले? देर आर 10 स्कूल्स. पहले बोलो देर आर 10 स्कूल्स. कहां पर है? इन माय विलेज. और सभी स्कूल अच्छे हैं. तो क्या बनेगा? ऑल स्कूल्स आर गुड. ऑल स्कूल्स आर गुड. ठीक है, ऐसे बनाना है तभी सेंटेंस बनेगा. ठीक है. टेक अ सीट नाउ. पिपिंग टॉम को छिप तो नहीं रहा है? स्टैंड अप. हजारीबाग में बहुत सारी सड़कें हैं और सभी सड़क पक्की हैं. जाओ. व्हाई शुड आई इंसल्ट यू टाउन? ठीक है, चलो. मैंने नाश्ता किया था, हेवी नाश्ता, तो कस के बोलो. देर आर मेनी रोड्स. कहां पर? देर आर मेनी रोड्स इन हजारीबाग. स्टॉपेज क्यों लग जा रहा है? बैरियर है इसको रोड में. देर आर मेनी रोड्स इन हजारीबाग और सभी सड़कें पक्की हैं. क्या बनाओगे? ऑल रोड्स आर मेल्टेड. मेल्टेड का मतलब हो गया पक्का और अनमेल्टेड का मतलब हो गया कच्चा. आप पक्का मत बोल देना. दैट पक्का का रिवर्सल क्या हो जाएगा? कच्चा. ऑल मेल्टेड. ऑल रोड्स आर मेल्टेड. ठीक है, अगला बार याद रखोगे ना. चलो बैठ जाओ.
किसी को लग रहा है कि सर हमसे पूछिए, हम देने के लिए तैयार है सर, क्योंकि हम गलती करवा देंगे। Nobody is ready to accept challenge. One boy is there. Stand up. मेरे चेहरे पर एक चश्मा है जो कि पावर है, पावरफुल है, उतर भी गया। लेकिन है, वो मानना होगा। अब है की जगह था कर देते हैं। बना बच्चा, बन जाएगा, बना है सही, बना दो ना। दे रे, मेरे चेहरे पर एक चश्मा है। वेट अ मिनट, मेरा बना दो उसको। ओ, वो गलती करवाने के लिए खड़ा हुआ है क्या? क्या बनाएगा? देर इज ए ग्लास, देर इज ए ग्लासेस ऑन माई फेस, जो कि क्या था? अच्छा, तो विच इज पावरफुल, ओके, विच इज ऑफ पावर भी हो सकता है, विच इज ऑफ पावर भी हो सकता था। टेक यू सीट नाउ, टेक यू सीट नाउ। यस मैन इन सक्सेस ओन टी शर्ट, यस स्टैंड अप, यस आपको दिया मौका। अच्छा, आपके लिए सेंटेंस, शरीर में 206 हड्डियां हैं और बैकबोन सबसे स्ट्रांग है। रीढ़ की हड्डी, हाँ, देखो बनाएगा सेंटेंस। मैन इन डिफरेंट स्माइल, यस टेल मी, शरीर में 206 हड्डियां हैं और बैकबोन सबसे स्ट्रांग है। जल्दी से बनाओ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देर आर, वेट अ मिनट, पहले क्या है? 206 हड्डी है ना, तो पहले क्या है बनाओ? 206 बोन्स इन द बॉडी, और सबसे स्ट्रांग कौन सा है? बैकबोन सबसे स्ट्रांग है, यही पूछे हैं। क्या बनाओगे? रुक गया, कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। स्टैंड अप, आप सोचे भी नहीं होंगे कि मेरा बारी आएगा। सीबीआई रेड है, किसी को भी हम मार देते, ठीक है? चलिए, आप समझिएगा, आप बोलिए आई एम, मैं पतली हूं। आई एम थीन, चलो आई एम थीन, आई एम थीन, स्टैंड अप। मैं तुमसे ज्यादा पतली हूं। आ, 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 गलती हो गया, कोई बना सकते हो इसको? देखो वो सुटेबल भी है। स्टैंड अप, आई एम थीनर देन यू, ई आर लग जाता है ना, आई एम थीनर देन यू, ये आप बोलिए, बोलिए इसको, कंपेयर किया। और तुम बता दो, मैं सबसे ज्यादा पतली हूं। आई एम द थिनेस्ट, मतलब समझिए तीन तरह का कंडीशन होता है, बिग, बिगर, किसी से बिगर, एंड सबसे लास्ट बिगेस्ट, ठीक है? तो आप देखो, जैसे आप स्टैंड अप साउथ इंडियन, नहीं आपके पीछे, यस, मैं मजबूत हूं, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, यस मैन सिटिंग इन द कॉर्नर, मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूं, इसे आई एम स्ट्रांगर देन यू, आई एम स्ट्रांगर देन यू, यस यस माय फेलो। अब तुम जानते हो तुमको करना क्या है, वही जो सोच रहे हम लोग, क्या सोच रहे हैं? मैं सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा मतलब नो बडी इज कंपेरेटेबल टू यू, मैं सबसे ज्यादा मजबूत हूं, क्या बनाओगे? नहीं नहीं उतना नहीं बोलना, सीधे बोल दे आई एम द स्ट्रांगेस्ट, इतना बोल दिया काम हो गया, बोल दे आई एम द स्ट्रांगेस्ट, बस इसीलिए तो बोले थे बैकबोन के बारे में, क्या बोला था बैकबोन के बारे में? बैकबोन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो बैकबोन इज द स्ट्रांगेस्ट, बन गया काम, बन जाएगा ना? तो टेक यू सीट नाउ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, थोड़ा सा हम इसको देख ले रहे हैं, और कोई बच्चा कहीं मिस तो नहीं कर जा रहा है। स्टैंड अप, मैं लंबी हूं, कल्पना करो। अरे मैं इसी को बनाने दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज, ट्रांसफर करेंगे। मैं लंबी हूं, आई एम,
I am tall. I am tall. Than you. Than you. I am taller than you. I am the tallest. चलते चलते बस देख ले रहे थे डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो पा रहा है कि नहीं, और हो जा रहा है. बहुत अच्छा. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. और गलती करवाएं, गलती करवाएं क्या? बोलो ना. हाँ, तरीके तुम लोग एकदम डाउनफॉल हो जाते हो. टेक अ सीट नाउ. गलती करवाते हैं इस थोड़ा सा, गलती करवाते हैं. गलती करवाना चाहिए कभी कभी. स्टैंड अप. कॉपी ऐसे उठाओ, बोलो ये कॉपी उपयोगी है. उपयोगी का मतलब क्या होता है? हाँ, इंग्लिश में, संस्कृत में नहीं फिलहाल, इंग्लिश में. जल्दी बनाओ दिस कॉपी, जल्दी बनाओ. नहीं, यह कॉपी उपयोगी है. यह ओ दिस कॉपी, वेट अ मिनट, इसको सबर का जरूरत है. यह कॉपी उपयोगी है. बहुत बढ़िया. दिस कॉपी इज यूजफुल. कितना बढ़िया बनाई है. स्टैंड अप. अब तुम अपना कॉपी उठाओ और बनाओ. यह कॉपी उस कॉपी से ज्यादा उपयोगी है. ट्राई. रेज योर हैंड्स. ये कॉपी उस कॉपी से ज्यादा उपयोगी है. बताइए. तो मोर क्यों लगा दिया? अभी तो यूजफुलर वाला हम सोच रहे थे. हम सोचे कोई बच्चा यूजफुलर बोलेगा. क्यों नहीं हुआ यूजफुलर? मोर क्यों लग गया इसमें? ये कभी सोचा? नहीं सोचा. हम सोचा है, बोला है बताता है इसको. बोलो यूजफुल. यहां पर रखो जॉक के सामने, नीचे इसको रखो. यूजफुल. ये जॉक कितने बार नीचे गया? दो बार गया. जिसमें दो बार नीचे जाएगा उसमें मोर लगा देना. सच बता रहे हैं. यूजफुल दो वर्ड से बन रहा है ना. यूजफुल दो सिलेबल है तो मोर यूजफुल. ब्यूटीफुल तीन सिलेबल है, मोर ब्यूटीफुल. एक सिलेबल वाले वर्ड में ईआर लगा के निकल जाते हैं. जहां दो सिलेबल लगा, इंटेलिजेंट, तो क्या चीज बने? इंटेलिजेंटर. मोर बनेगा ना. तो वही चीज देख रहे थे. तो दिस बुक इज मोर यूजफुल देन दैट बुक. एंड द लास्ट वन इज, दिस बुक इज द मोस्ट यूजफुल. अंडरस्टूड? समझ रहे बातों को? इसलिए जानबूझ के गलती करवाना चाह रहे थे, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है. थैंक यू. टेक अ सीट नाउ. हैव यू रिटन दिस वन? गॉट वन मिनट टू राइट. ओ सॉरी.
Yes. There is a pond in my village. There is a pond in my village. Written. There was a king. There is a pond in my village. What plus where? ये तो उधर का था materials. It's too hit. ऑन कर लें कहाँ से प्लीज स्विच ऑन द फैन हाँ लीव इट हम लोग सब लेंगे हवा क्या ओके हैव यू रिटेन क्लोज योर कॉपीज Close your copies. कर लिया? Now we shall move to the next section and that is poem section. है ना? आप लोग का earlier रंगास marriage हुआ है और इसका DPP हम दे देंगे next week में आपको. ठीक है? यहाँ से receive कर लेना. और एक हुआ है Albert. Albert Einstein at school. चलिए तो we shall move to the next section. अभी next section move करते हैं हम लोग. कौन सा poem पढ़ लेंगे हम लोग पता है? Childhood. सिर्फ childhood है poem. अच्छा इसमें वॉइस ऑफ रेन पढ़ा है क्या वॉइस ऑफ रेन नहीं पढ़ा है no, तो पहले कौन सा पढ़ा दे दोनों पढ़ा दे पहले चाइल्डहुड पढ़ लेते हैं yes, चलो अच्छा रहेगा पोयम सेक्शन फर्स्ट पहला पोयम सेक्शन पढ़ रहे हो क्या हमसे yes, चलो ठीक है तो कॉपी बंद रखना चलिए ध्यान से पहले समझिएगा वन हु राइट्स द स्टोरी इज कॉल्ड जो कहानी लिखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग एक्सीलेंट एंड वन हु डिस्क्राइब्स द स्टोरी इज कॉल्ड नरेटर मतलब हम लोग नरेटर भी हैं हम ही नरेटर बने थे ना पिछले क्लास में जब भी बताए होंगे आपको कौन सा बताए थे रंगास मैरिज चलिए तो इट इज द फर्स्ट पोएम सेक्शन टू ऑल ऑफ यू मेरे तरफ से आपका पहला पोएम सेक्शन है पहले थोड़ा डिस्क्रिप्शन लेंगे कि पोएम होता क्या है और पोयम को एक्सप्लोर कैसे करते हैं हम लोग पोयम को ठीक है पहले ये बताइए पहले ये समझिएगा पोयम का एक्चुअल मीनिंग क्या निकलता है क्या निकलता है पोयम का मतलब कविता होता है ना ओके okay, जानते हैं मोस्ट ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स हैव कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स कहां से आए हैं ग्रीक वर्ड्स ठीक है नाउ पोयम जो भी शब्द है ना पोएसिस वर्ड से आया था जिसका मतलब होता है गीत संगीत गाना जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न डे में हम लोग बोलते हैं ना सॉन्ग तो इसी सॉन्ग को पहले क्या बोला जाता था मतलब एक्चुअल में निकालोगे तो पोएम इज इक्वल टू ए सॉन्ग मतलब एक पोएम को पोएम भी बोल सकते हैं आप या सॉन्ग भी बोलते हैं जैसे 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 हम लोग सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें होता है ना स्टेंजा सॉन्ग में स्टेंजा होता है पैराग्राफ्स नहीं होता है उसी तरह से पोएम में भी क्या होता है स्टेंजा होता है ठीक है तो अगर एक पोयम समझिएगा ध्यान से सर आप पोयम को बता रहे हैं ये किसी ग्रीक वर्ड से आया है जिसका अर्थ होता था सॉन्ग एक गाना तो क्या सर एक पोयम को गाना मान सकते हैं ऑफ कोर्स मान सकते हैं एक पोयम क्या होता है एक सॉन्ग ही होता है क्लियर हो गया तो चलिए हम इधर जब आएंगे ना इस साइड में दाहिने साइड में तो हम डिस्कशन करेंगे पोयम का जब बाएं साइड में आएंगे तो उसी पोयम को हम क्या बोलेंगे सॉन्ग क्लियर हो गया तो चलिए पहले ये समझिए प्रेजेंट डे में हम लोग सॉन्ग सुनते हैं ना बहुत सारा सॉन्ग चलता है आप बता सकते हैं वो सॉन्ग को लिखता कौन है गलत सिंगर लिखता है तो वो तो गाता है लिरिक्स राइटर उसको बोलते हैं जो आपका गाना को लिखता है ना वो उसको क्या बोला जाता है लिरिक्स राइटर हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जावेद साहब हैं जो ज्यादातर सॉन्ग्स को लिखते हैं जो आप गाना सुनते हैं ना
वो गाना उन्हीं के द्वारा लिखा जाता है और ऐसे बहुत सारे कंपोजर हैं जो सॉन्ग को लिखते भी हैं, ठीक है। तो चलिए अभी अभी जाना कि एक सॉन्ग को लिखने वाला, बाएं साइड खड़े हैं याद रखिएगा, एक सॉन्ग को लिखने वाले को क्या बोलते हैं? लिरिक्स राइटर। क्लियर हो गया? आइए, एक पोयम तो सॉन्ग ही होता है ना, तो पोयम को लिखने वाले को क्या बोलेंगे? फिर गलती कर रहे हैं। जैसे सॉन्ग को लिखने वाले को आपने क्या नाम दिया, तो पोयम को लिखने वाले को क्या बोलोगे आप? उसको भी क्या बोलते हैं? लिरिक्स राइटर। जैसे अभी मॉडर्न, समझिएगा मेरी बातों को, पोयम को लिखने वाला जिस तरह से सॉन्ग को लिखने वाला लिरिक्स राइटर होता है या कंपोजर होता है, समझते हैं? देखिएगा सॉन्ग के नीचे लिखा रहेगा कंपोजर। कंपोजर मतलब समझ लेना कि संगीत का जो बज रहा है गाना, उसमें जो वर्ड्स हैं उसी कंपोजर ने दिए, ठीक है। यानी कि गाने को लिखने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजर। उसी तरह से पोयम लिखने वाले को जानते हो क्या बोलते हैं? कंपोजर। बात समझ रहे? मॉडर्न इंग्लिश में आइए, पोएट आप लोग बोलते थे ना, पोएट भी बोला जाता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपोजर। दोनों पैरलर हो गया, सॉन्ग को लिखने वाला कंपोजर, पोयम को लिखने वाला। अब ये बताइए सॉन्ग को गाता कौन है? बहुत अच्छा, नहीं नहीं सिंगर ही गाता है। हम कोई गाना लिख रहे हैं एंड इट इज पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति सॉन्ग है, बहुत अच्छा सा सीन है और उसमें पैट्रियोटिक सॉन्ग करना है और एकदम पावरफुल पैट्रियोटिक सॉन्ग है। अरिजीत सिंह को बुलाओ, अरिजीत देखो भाई ये गाना गाना है, यहाँ पर हाई स्किल में गाना, यहाँ थोड़ा लो स्किल में गाना है और ये पैट्रियोटिक फीलिंग आना चाहिए अरिजीत। ओके सर। अब अरिजीत हेडफोन लगा के कहाँ घुस गया, केबिन में, अब वो गाना को गाएगा, ऐसे ही होता है ना। आइए, एक पोयम, एक सॉन्ग को गाने वाला सिंगर, तो एक पोयम को गाने वाला, अरे पोयम भी तो सॉन्ग होता है ना, तो जो पोयम गाएगा उसको क्या बोलोगे? तो आप याद रखिएगा कि अभी जो हम गाएंगे ना वो एक सिंगर की तरह गाएंगे, नरेटर नहीं, नरेटर कहानी सुनाता है। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं? यानी कि पोयम को लिखने वाला हो गया कंपोजर और पोयम को सुनाने वाला क्या हो गया? तो आई एम गोइंग टू सिंग ए सॉन्ग फॉर यू। आज आपके लिए एक पोयम नहीं, एक गाना गाएंगे। तो पोयम ये तो गाना ही तो है, अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं ना? वाह क्या बात है, क्या बैच मिला हमको। तो चलिए सर आप गाइएगा ना। हाँ आज गाएंगे और क्या, जब पोयम पढ़ा रहे हैं तो गाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी अभी हम ही कह के निकल चुके हैं कि एक पोयम तो सॉन्ग ही होता है। एक बार इधर आए, आप लोग गाने वाले थे ना, आपको पता है गाना दो टाइप का होता है, पूछो ना कौन कौन सा सर। एक होता है लिरिक्स सॉन्ग, लिरिक्स सॉन्ग, अरे अरे ये अभी जो चल रहा है हमारे यहाँ मूवी गदर, ऊर्जा काले कावा, गाना सुने हो ना, दिस इज कॉल्ड लिरिक्स सॉन्ग, इसको हम लोग बोलते हैं लिरिक्स सॉन्ग। लिरिक्स सॉन्ग मतलब सर, अरे जिसका सुर होगा, ताल होगा, रिदम होगा, पैटर्न होगा, मस्त वॉइस होगा। और दूसरा सर, दूसरा होता है रैप सॉन्ग। मैं नहीं तो सुना है, उसको कौन सा सॉन्ग बोलते हैं? यानी कि गाना दो किस्म का, एक लिरिक्स। आइए पोयम में आते हैं, पोयम दो टाइप का होता है, एक लिरिक्स पोयम होता है। अरे बोलो ना सर, गाइए ना लिरिक्स वाला, गाते हैं जॉनी जॉनी। अरे बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। अच्छा ठीक है, ये वाला पूरा आता है आप लोगों को? अच्छा ये वाला छोड़ के दूसरा करते हैं, लिरिक्स 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 पोयम हम कर रहे हैं, ठीक है सुनते जाओ। टिंकल टिंकल हाउ आई वंडर अप अबव द लाइक ए डायमंड, एक्सीलेंट, कितना बढ़िया याद है, सो देख रहा है, इसी को बोलते हैं लिरिक्स पोयम, जो याद हो जाए। और याद होने वाले पोयम तो बचपन में पढ़ते थे ना आप लोग,
और दूसरा पोएम जानते हो कौन सा होता है? रैप पोएम मत बोलना, दूसरा पोएम होता है फ्री वर्ज पोएम। मतलब सर ना जिसका सुर होगा, जैसे रैप सॉन्ग का कोई सुर ताल नहीं होता है, उसी तरह से पोएम एक और होता है जिसको फ्री वर्ज पोएम बोलते हैं, जिसका ना सुर होगा ना ताल होगा। तो आज जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि पोएम जो आज गाने जा रहे हैं, वो एक फ्री वर्ज पोएम है। तो हमसे उम्मीद मत रखना किस चीज का, न सुर का न ताल का। बात समझ में आया? तुम क्या सोचा था सच में हम गाना गाने जा रहे हैं? सच में जा रहे हैं, लेकिन गाना जो है वो गाना है नहीं, तो करे क्या। अभी हमको जो कंपोजर लिख करके गया है गाना मेरे लिए, वो एक कैसा सॉन्ग है, फ्री वर्ज पोएम है। फ्री वर्ज पोएम का मतलब हम जैसे तैसे लाइन जैसा पढ़ेंगे। तो क्या कीजिएगा, लाइन जैसा जब लोग गा सकता है तो हम लाइन जैसा पढ़ नहीं सकते क्या? अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? पोएम का आपको पूरा जनरेशन बताए। पोएम कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है लिरिक्स सर, जिसमें आप एक पैटर्न पर पोएम को पढ़ेंगे, लेकिन अगर पैटर्न नहीं होगा तो वो कैसा पोएम हो जाएगा? फ्री वर्ज पोएम। तो अभी हम आपके लिए एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं, वो कौन सा है? चाइल्डहुड, और वो फ्री वर्ज है, इसलिए हमसे सुर और ताल को उम्मीद मत कीजिएगा। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत लोग बोल रहा था चलिए सर गाइए, तो गा तो रहे, लेकिन क्या करें, रैप सॉन्ग टाइप का मिल रहा है। तो चलिए, जो पोएम है वो आपके लिए है कौन सा जानते हैं? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है? बचपन। वाओ, व्हाट अ पीरियड इट हैड। कितना मस्त पीरियड था क्या? व्हेन यू यूज्ड टू प्ले इन द फील्ड, देयर वाज नो वन टू स्टॉप यू, देयर इज नो बैरियर ऑफ स्टडी, पेरेंट्स यूज्ड टू बीट यू, दौड़ा दौड़ा करके बेलन भी पड़ता था। कितना अच्छा पीरियड था वो। क्या पीरियड था? मतलब सर पीरियड है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव लॉस्ट योर चाइल्डहुड? कोई है जो अपना बचपन खो दिया यहां पर? तो सबका बचपन है ना अभी? सबका है? रेज योर हैंड, किसका किसका है? अरे यार, हमको बहुत कंफ्यूज कर दो तुम लोग। जब हम पूछते हैं नहीं है, नहीं 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 सर है सर, और जब हम बोले है, किसी का नहीं बचा बचपन। वाह, सब बड़े हो गए स्टार सुपरस्टार। अरे कोई तो होगा ना जिसका बचपन बचा हुआ है। जाओ, बचपना है सर, बचपन तो गया, बचपना भी है तो है बचपन तेरा। किसी का बचपना बचा है? किसका किसका? एक का है, तुम्हारा बच गया। यस यस यस, हाथ उठाओ, डरो मत, हो सकता है किसी किसी का बचपन बचा हो। स्टैंड अप, स्टैंड अप, वन टू थ्री, यस मैन विद नो हेयर। ये आपका भी बचपन है ना अभी? अच्छा, नो इशू, आप लोग दोनों का बचपन है। बचपना से हमको मत, अगर बचपना होगा तो एक एग्जांपल दिए, क्या बचपन है आपका? अगर कोई फिल्म में हीरो मर जाता तो वापस कैसे आता है? ये बचपना है? खेलना तो हम लोग सब अभी भी हम खेलते हैं। आई एम वेरी गुड क्रिकेटर, लेट मी टेल यू, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा हम मानते हैं। खेलते तो हम लोग सब हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, खेलना तो अच्छा है। बचपन है या गया? चला गया। दोनों का, दोनों का साथ में आया था, साथ में चला गया। मतलब बैठ जाओ, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा है या गया? बैठ जाओ, बैठ जाओ। दिस इज द डायलिमा। ये सर जो आप पूछ रहे हैं ना बार बार, ये डायलिमा हो रहा है हम लोग के अंदर। दुविधाओं से भरे हैं हम लोग, समझ नहीं पा रहे हैं बचपन है या गया, पता नहीं। सर ऐसा क्वेश्चन आप पूछ दिए जो आज तक सोचे नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सब चीज सोच ली, ये कभी नहीं सोचे कि बचपन है या गया। इसी पर तो डाउट है, इसी पे पूरा पोयम है। आई एम ए कंपोजर, आई एम ऑल्सो ए सिंगर,
हु इज गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग फॉर यू विच इज बेस्ड ऑन चाइल्ड हुड. जो किस पर बेस्ड है? द पोएम चाइल्ड हुड हैज बीन कंपोज बाई मार्कस नैटिन. जो लिख के गए हैं ना, उनका नाम क्या है पता है? उन्होंने ये पोएम लिखा हम लोग के लिए. और यहां पर वो अपना डाउट को एक्सप्रेस करेंगे. उनको भी नहीं पता चल रहा है कि उनका बचपन है या नहीं, लेकिन कुछ सरकम टांसेस बताएंगे वो, कुछ ऐसा सिचुएशन बताएंगे जहां पर वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उनका जो बचपन है वो खत्म, या फिर उनको डाउट है कि वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ. और आप क्या करेंगे, उनसे अपने आप को रिलेट कर लेंगे. जैसे आपको जानना ये है कि आपको भी नहीं पता ना कि आपका बचपन है या गया, ठीक है? तो आप रिलेट करेंगे किन से? मार्कस नैटिन से. हम आपको पोएम पढ़ते जा रहे हैं. फर्स्ट, सेकंड, थ्री, फोर, चार स्टेंजा में पूरा पोएम बटा हुआ है. आप सिर्फ मेरे बातों को समझिए, बाद में जाके लाइन मैच कर लीजिए, नो प्रॉब्लम. समझ रहे हैं? चलिए देखिएगा. फर्स्ट स्टेंजा में, पूरा पोएम में, पूरा स्टेंजा में एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है. जानते कौन सा क्वेश्चन? व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? When did my childhood go? When मतलब? The poet is asking to himself. Poet अपने आप से पूछ रहे हैं. आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोग भी यही क्वेश्चन अपने आप से पूछ लीजिएगा. When did my childhood go? मेरा बचपन कब गया? ठीक है? Was it the day? मतलब? अरे was it Sunday? मतलब? Was it Sunday? क्या रविवार था? Was it the day? पोएट बोल रहे हैं, क्या वो यही दिन था? When I ceased to be 11, जब मैं कितने साल का हो गया? और ध्यान से सुनिएगा. Was it the time when I realized that hell and heaven are not found in geography book? ध्यान से सुनिएगा. फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने क्या डाउट किया? पहले बोला, पहले क्वेश्चन किया अपने आप से, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कब गया? पोएम ऐसे पढ़िए कि याद हो जाए यहीं पर ऑन द स्पॉट. समझ रहे? बाद में नहीं पढ़ता है कोई, इसलिए ध्यान से सुनिएगा. पोएट ने बार बार पूछ रहा है, एक सवाल क्या पूछा अपने आप से? व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कब गया? और अपने आप से उन्होंने कहा, वाज इट द डे, संदेह, डाउट है, वाज इट द डे, क्या वो यही दिन था? व्हेन आई सीज टू बी 11, जब मैं कितने साल का हुआ? और मतलब? या वाज इट द डे, क्या वो ये दिन था? व्हेन आई अंडरस्टूड, जब मैं ये समझ गया दैट हेल एंड हेवन आर नॉट द रियल प्लेस. कि हेल और हेवन जो लोग बकते हैं ना बार बार, स्वर्ग और नर्क, ये कोई रियल प्लेस है ही नहीं. मतलब सर? मतलब एग्जांपल से समझाते ना आपको. स्टैंड अप, आप उठ गई. अच्छा चलिए ठीक है, आप ही उठ गए. तो बताइए, व्हेन डिड यू लॉस योर ग्रैंड मदर? नाम जानती हैं दादी माँ का? क्या नाम था? बहुत अच्छा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. अरे अभी तो बोली ना कि गई. ओ हमको बहुत पाप लग जाएगा जी, सॉरी. हम आगे के लिए बोल रहे हैं सर. अच्छा एक बात बताओ दादाजी. नहीं नहीं, तुम इसी तरह पहले भी गर्दन हिलाए तब नाम गलत समझ लिए भाई. अच्छा नाना जी नहीं होंगे पक्का? सब हैं तो बैठ जाओ. हमसे पाप कर्म हो रहा है. अच्छा आप स्टैंड अप. आपका चेहरा बताया कि आपने खो दिया है और हमको बहुत दुख हुआ. क्या नाम था दादी का? दादाजी नहीं ना है? बहुत अच्छा. नहीं बहुत खराब. क्या क्या कब हुआ? 2002. तुमको याद है? अच्छा चल नाम बताओ. ध्यान से सुनना, ध्यान से. हेल एंड हेवन समझा रहे हैं आपको, एक बार में समझ में आएगा. यस टेल मी.
जी बिहारी मत हो, आप झूठ बोल रही हैं, आपके दादाजी नहीं हैं, आप ऐसा बोल रही हैं, लेकिन हमको लग रहा है सच में नहीं है, तो फिर आप नाम गलत बता रही हैं। हाँ गलती हुआ, अब बोलिए स्वर्गीय बिहारी महतो, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। हम लोगों को बचपन से यही सिखाया गया है, बुरा कर्म करोगे नरक जाओगे, अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग जाओगे। अब हम ये कैसे मान लें कि आपके दादाजी स्वर्ग में? मान रहे हैं? डू यू नो, आपको पता है, आप सिर्फ मान रही है ना, तो मानने का लोग नरक भी मान सकता है कि नहीं मान सकता है? मतलब कभी ऐसा सुने हो भाई किसी भी नहीं रहे हुए इंसान के आगे नरकीय डॉट डॉट डॉट, कभी सुने हो क्या? इसलिए आज जान जाओ नरक नाम का कोई जगह होता नहीं है, फुल फेज में पाप कर्म करो। बात समझ रहे हैं? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो स्वर्ग एंड नर्क। जिस दिन आप ये जान गए थे ना, आ जाने आप कि स्वर्ग और नर्क कुछ होता नहीं है, मरने के बाद सबको तो स्वर्ग ही बना देते हैं लोग, तो स्वर्ग नर्क कुछ होता है क्या? हैव यू एवर सीन, देखा आपने? बस उसी दिन आपका बचपन फिनिश्ड। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं? जिस दिन आपको यह समझ में आ गया दैट हेल एंड हेवन आर नॉट द रियल प्लेस द डे यू हैव लॉस्ट योर चाइल्डहुड, उसी दिन आपने क्या खो दिया? और आप भी, योर बचपन हैज गॉन, टेक यू सीट नाउ। नाउ द फर्स्ट, समझिएगा, फर्स्ट स्टेंजा में द पोएट हैज द डाउट, पोएट को डाउट है अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्डहुड, और दो केसेस देके गए। पहला केस क्या था? When he कहां पहुंच गए? When he had completed क्या? अरे 11 years old, जब उन्होंने क्या पूरा किया? अपना 11। एंड सेकेंड, वॉट डज ही थिंक अबाउट हिज हेल एंड हेवन? हेल और हेवन के बारे में क्या सोच रहे हैं वो? दैट हेल एंड हेवन आर नॉट द रियल प्लेस, देयरफॉर दे आर नॉट फाउंड इन एनी काइंड ऑफ बुक सच एज ज्योग्राफी। मतलब ज्योग्राफी के किताबों में भी ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेगा क्या? अंडरस्टूड? पहला कंडीशन आप लोग देख लीजिए, मिला लीजिए अपने आप से, यू लॉस्ट योर चाइल्डहुड व्हेन यू क्रॉस्ड 11 इयर्स। तो ऑल ऑफ यू हैव क्रॉस्ड 11 इयर्स, यू लॉस्ट योर चाइल्डहुड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट हेल एंड हेवन आर नॉट द रियल प्लेस। अब आप ये भी समझ गए हैं कि हेल और हेवन क्या नहीं है? रियल प्लेस नहीं है। तो अभी ओके, तो हेल एंड हेवन आर नॉट द रियल प्लेस आप लोग भी जान गए ना? तो आप लोग का भी क्या चला गया? चलिए सेकंड स्टेंजा में आते हैं, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी 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 क्विकली। दो दो घंटा ओके, सुनाओ सेकंड स्टेंजा, बहुत अच्छा स्टेंजा है, जरा सा गौर से सुनिएगा। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? Once again the poet is repeating the same question in the second stanza. When did my childhood go? मतलब कब गया? Was it the day? Point to be noted my lord. Was it the day? क्या वो यही दिन था? When I understood, एकदम ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने ये समझा that adults are not as they pretend to be, मतलब समझिएगा, व्यस्क बड़े लोग वैसे होते नहीं है जैसा कि वो दिखाते हैं। ओके, दे टॉक ऑफ लव, दे टॉक ऑफ ऑनेस्टी, वो किसकी बात करते हैं? लव की। वो किसकी बात करते हैं? ऑनेस्टी की। बट डू नॉट एक्ट लविंगली, लेकिन वो खुद से प्रेम से बात नहीं करते हैं। शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी का एक बार स्पीच चल रहा था, पता है आपको? शिकागो, कौन? स्वामी विवेकानंद। एंड वंस ही सेड, बड़ा अच्छा लाइन उन्होंने कहा था कि व्हाट वी टीच आवर चिल्ड्रेन, इफ वी अडॉप्ट इट द एंटायर वर्ल्ड विल बी हेवन। जो हम बच्चों को सिखाते हैं, अगर हम वैसा खुद करने लग जाए ना, तो पूरा संसार जानते क्या बन जाएगा? हेवन। हेवन मीन्स
शेयर करके खाना सीखो, कोई बच्चा शेयर करके खाओ, समझा? ओके और अच्छा से बात करना चाहिए, बड़ों को रिस्पेक्ट करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मिल बांट के रहना, नीचे गिरा हुआ कुछ नहीं खाएगा, समझा? और खुद नीचे गिरा हुआ 500 का नोट उठा लिए, ऐसा आपको लगता है बड़े ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। आपको सिखाया बहुत सारा चीज, प्रवचन लंबा लंबा सा दिए, लेकिन खुद किए वैसा नहीं किए। अगर ऐसा हुआ रहता ना तो आपको चारों ओर अपने वायलेंस नहीं दिखता इतना, अशांति वायलेंस वही सब हो रहा है ना, सब बड़े बड़े लोगों का कर्म है, बात समझ रहे हैं? और हम लोग को बचपन में अच्छा अच्छा चीज सिखा दिए, और कुछ जो सिखाए वैसा खुद किए ही नहीं वो, बात समझ रहे हैं? जिस दिन आपको ये पता चल गया था ना कि बड़े जो सिखाते हैं वैसा वो खुद करते नहीं है, दैट डे यू लॉस्ट योर चाइल्डहुड, उसी दिन आपने क्या खो दिया अपना, बात समझ रहे हैं ना? तो यू अंडरस्टैंड कि व्हाट आवर एल्डर, व्हाट आवर द एडल्ट्स टीच अस, दे डू नॉट डू लाइक दैट। क्या आप ये मानते हैं कि जैसा बड़े हम लोग को सिखाते हैं वैसा वो लोग करते नहीं, आप ये मानते हैं? तो समझ जाइए क्या चला गया, बात समझ रहे हैं? सेकेंड पार्ट, थर्ड कंडीशन है ये, ध्यान से सुनिएगा। वॉज इट द डे, क्या वो यही दिन था, वेन आई अंडरस्टूड, जब मैंने ये समझा कि एडल्ट्स डू नॉट एक्ट एज दे प्रिटेंड टू बी, एडल्ट्स वैसा एक्ट करते नहीं है जैसा कि वो दिखावा करते हैं, दे टॉक ऑफ लव, वो लव की बातें करते हैं बट डू नॉट एक्ट लविंगली, लेकिन खुद ही लव से रहते नहीं है, अंडरस्टैंड? Perhaps that day I lost my childhood. And the third stanza, ध्यान से सुनिएगा, आपको अपने आप से रिलेट करता हुआ मिलेगा। When did my childhood go? In third stanza, once again. मेरा बचपन कब गया? Was it the day? क्या वो यही दिन था? When I realized, जब मैंने ये महसूस किया, that my mind was really mine. Now it is not controlled by anyone. अब ये जो मेरा दिमाग है ना, वो मेरा खुद का है, किसी के नियंत्रण में नहीं चलता है। मतलब समझिएगा, एक चीज हमको बताइए, आप में से बहुत सारे बच्चे रूम लेकर के यहां रहते हैं ना? Yes, कितने बच्चे, रेज योर हैंड्स। वाह, मेक इट डाउन, हेड्स ऑफ टू यू, रियली रिस्पेक्ट फॉर यू ऑल, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम आप जैसे स्टूडेंट्स का जो इतने दूर रहते हैं अपने पेरेंट्स से जहाँ भी हैं, और अपने खुद से आप लोग प्रॉपर ढंग से खाना बनाते होंगे, अपना कपड़ों की सफाई करते होंगे, नाउ यू नीड टू वरी अबाउट योर कल का क्लासेस भी है, कैसे अरेंज करना है, कैसे जाना है, बारिश, भूख, कम नींद, लाइट, सब झेला आपने, कितना झेल रहे हैं आप, है ना? बहुत झेलते हैं ना? ओके, टेल मी वन थिंग, जब बचपन में थे आप तो आप लोग को डांट के बैठाया जाता होगा पढ़ने के लिए, और कभी कभी जैसे बैठते भी होंगे तो ड्राइंग कुछ और कर रहे हैं बस दिखाने के लिए कि हम पढ़ रहे हैं, याद करो, यस सर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी ना, बस समझे, कभी हम भी तो स्टूडेंट रहे हैं ना, तो हमको पता है, मतलब हम लोग चीट करते थे किसको, पेरेंट्स को, कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं थे। वाओ, कभी कोई दोस्त खेलने चला गया और हमको रोका जा रहा है, नहीं चुपचाप पढ़ेगा तू, उस समय दिल में इतना गुस्सा आता था ना, क्या बताएं, और अगर उसमें कोई आ गया कि नहीं नहीं जाने दो बच्चा खेलेगा, वो हम लोग का फेवरेट हीरो क्या सिचुएशन था और आज आप सोच के देखिएगा, यू हैव नो कंट्रोल ऑफ एनी वन। जब फ्रीसिप है तो आप यूज नहीं कर रहे हैं, और जब फ्रीसिप नहीं था तो आपने इसका यूज किया। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, वेट अ मिनट, देयर इज अ कॉल, लेट मी अटेंड। हेलो, हाँ बोलिए, अच्छा आशुतोष, अभी हम क्लास में ही हैं, हजारीबाग में ही, तो हम निकलेंगे तो आप तुमसे बात कर लेंगे, हाँ ठीक है बच्चा, ओके समझिएगा ध्यान से। मतलब अभी आपके ऊपर नो डाउट आपके पेरेंशियल गाइडेंस होंगे, लेकिन आप चाहते ना तो अभी जो 2 घंटे यहाँ बैठ के पके हैं
आराम से रूम में रहकर एंजॉय करते आप क्या करते कि नहीं? अरे अभी देखो सोचो ना बात, कितना बढ़िया बढ़िया जगह है हजारीबाग में, कैनरी हिल है, सुना है नाम मैंने, और बहुत सारा रोड है, बहुत सारी सड़कें, आप ही लोग ना ट्रांसलेशन बनाए है ना, बहुत सारा विजिटिंग स्पॉट है, मॉल्स है यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ पर बैठ करके क्या कर रहे हैं, यू आर जस्ट लिसनिंग, सब सुन रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। नाउ जब आपके पास फ्री सिप है, आपने इसको यूटिलाइज नहीं किया, मतलब आप इसको मिस यूज नहीं कर रहे हैं, आप इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, जबकि किसी ने नहीं कहा आपको, ध्यान से सोच के देखो। जानते हैं द डे वेन यू आर कंट्रोल्ड बाई योर सेल्फ, वही दिन जिस दिन से आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख गए हैं ना, जिस दिन से आपको पता है कि इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, समझ जाइए उसी दिन खो दिया आपने क्या, मतलब अब आपके पास द वे विच एवर वे यू वॉन्ट टू यूज, यू कैन यूज योर ब्रेन, आप अपने लाइफ को, अपने ब्रेन को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से यूज कर सकते हैं, बट नाउ यू आर नॉट यूजिंग इट, लेकिन अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स यू लॉस्ट योर चाइल्डहुड, आपने क्या खो दिया, अपना बचपन। द डे वेन यू लॉस्ट योर गार्जियनशिप, यू हैव बिकम एडल्ट, जैसे आपका गार्जियनशिप खत्म हुआ कि आप बड़े बन गए, और बड़े बन गए मतलब आपके पास चॉइस है, व्हाटएवर यू वांट, आप जो कुछ भी करना चाहे आप कर सकते हैं, यू लॉस्ट योर चाइल्डहुड, यानी कि फोर्थ कंडीशन ये कहता है कि वॉज इट द डे, क्या वो यही दिन था वेन आई अंडरस्टूड, जब मैंने ये जाना कि माय माइंड वाज रियली माइंड, कि जो मेरा अब माइंड है वो मेरा खुद का है, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीवन, ये किसी के कंट्रोल से नहीं चलता है, परहैप्स आई लॉस्ट माय चाइल्डहुड दैट डे, शायद उसी दिन मैंने क्या खो दिया, अपना बचपन। हाउ मेनी कंडीशन, फर्स्ट इज व्हाट, व्हेन आई सीज टू बी, एंड वॉज इट द डे वेन आई अंडरस्टूड दैट हेल एंड हेवन आर नॉट द रियल प्लेस, वॉज इट द डे वेन आई अंडरस्टूड दैट एडल्ट्स आर नॉट एज दे शो ऑफ, जैसा कि वो शो ऑफ करते हैं, अगर प्रिटेंड याद नहीं रहेगा तो। एंड थर्ड, वॉज इट द डे वेन आई अंडरस्टूड दैट माई माइंड वॉज really mind, it is not controlled by the last question in the last stanza, not when did my childhood go, where did my childhood go, last poet ne jante ho kya sawal kiya hai, where did my childhood go, matlab perhaps it had gone to some forgotten place, poet bhi bolte hain last mein, wo dhoond rahe hain kis cheez ko, apne bachpan ko, और बोलते हैं कि शायद जो मेरा बचपन है ना, ये चला गया किसी फॉरगेटेन प्लेस पर। बिफोर आई गो फर्दर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लेट मी आस्क वन थिंग, कैन यू गेट योर चाइल्डहुड बैक, नहीं कोई नहीं, आप लोग नहीं पा सकते अपना बचपन, बट आई कैन, हाउ, आई एम टेलिंग यू, I have a son who is about 5 years old. Mera beta hai 5 saal ka. When I go to house, jab hum ghar jaate hai na, he plays with me. Mere saath khelta hai wo. Aur khelta kya hai so batate hai, WWE. Bolta hai tum aaj banega khali aur hum hai John Cena. Bahut marta hai peeth uth pe. Hum nahi maar pate usko. Aur kabhi humko personality ke hisab se haathi banata hai. कभी घोड़ा भी बना दिया, कभी एक ही घर रूम में, कभी चोर सिपाही, सब चीज बनना पड़ता है उसके लिए। एंड बिलीव मी, व्हेन आई प्ले विथ हिम, जब हम उसके साथ खेलते हैं, तो आई ऑल्सो बिकम ए चाइल्ड, हम भी क्या बन जाते हैं। सो नाउ व्हेन एवर आई प्ले विथ माई सन, आई बिकम ए चाइल्ड, सो आई गेट माई चाइल्डहुड बैक, हम अपना बचपन वापस पा लेते हैं, जो शायद आप नहीं पाते होंगे अभी, नहीं ना इडियट्स, बगल वाले बच्चे ही बच्चे होते, अपना ही जोड़ रहा था क्या, घर में बच्चा नहीं है तो क्या सोचा अपना वाला ही काउंट करेगा, मास्टरपीस हो यार, पूरा इमोशनल होकर के, नहीं सर
मैंने सोचा होगा हम भी, मेरा भी बचपन आएगा दो चार बरस लेट है सर, ऐसा सोच लिया था क्या? अरे भाई किसी का भी बच्चा बच्चा होता है, मेरा था, तुम अपना एग्जांपल दिए, तुम भी एकदम इमोशंस के सागर में बहते जा रहा था, बात समझ रहा है? किसी का भी बच्चा, भैया का भी बेटा होगा, किसी भी बच्चे के साथ खेलोगे तो तुम्हारा बचपन आ ही जाएगा वापस, बात समझ रहे हो ना? द पोएट इज टेलिंग, पोएट ने क्या कहा है सुनो, पोएट ने कहा वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, उन्होंने पहला लाइन में कहा कि मेरा बचपन कहाँ गया, फिर उन्होंने कहा Perhaps it had gone to some forgotten place. ये शायद किसी forgotten, अनजाने, अनचाहे स्थान पर चला गया है. But which is seen, जो कि आई, माने जो कि देख पाते हैं, and on the face of an infant. मतलब किसके चेहरे पर? किसी infant के चेहरे पर. Poet ने कहा है कि वो अपना बचपन को कहाँ देख पाते हैं? किसी शिशु के चेहरे पर, मतलब किसी बच्चे के चेहरे पर. वही तो कह रहे थे हम. Understand? So you can even get your childhood back when you see a child. जब किसी child को आप देखेंगे तो आप क्या पा सकते हैं? अपना बचपना. The entire section is over. Childhood poem आप lifetime नहीं गड़बड़ाएंगे. That's my guarantee. कुछ पूछ के देखें आपसे. पूछेंगे क्या? सब तो आप बता ही दीजिएगा. बताओ, who is the composer of this poem? Marcus Nettin. On which age did the poet? What is not found in geography book? How are the adults? They are not as they pretend to be. Okay. They talk of what? Okay. Okay. Now tell me, what does the poet think about his mind? His mind is really his mind. उनका जो माइंड है अब उनका खुद का है. इट इज नॉट डॉट 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 बाई एनी वन. इट इज नॉट डॉट 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 कंट्रोल बाई एनी वन. एंड लास्ट, व्हाट वाज द क्वेश्चन डिड द पोएट आस्क इन एवरी स्टेंजा? एवरी स्टेंजा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? एंड लास्ट स्टेंजा, एंड वेयर डिड ही फाइंड हिज चाइल्डहुड? ऑन द फेस ऑफ एन इन्फेंट. डूइंग वन थिंग, you have to write down the summary of it. Iska summary de dete aapko, lifetime aapke brain mein aa jayega. Okay, Rupert heading de do, childhood summary. राइट डाउन, लिखिएगा. समरी लिख दिया, ऊपर चाइल्डहुड लिखा, लिखिएगा चाइल्डहुड इज ए पोयम. समरी लिखा दे रहे आपको. चाइल्डहुड इज ए पोयम कंपोज्ड बाय, चाइल्डहुड इज ए पोयम कंपोज्ड बाय COMPOSED, कंपोज्ड बाय मार्कस नेटिन, MARCUS Nettin, NATTEN, NATTEN, Marcus Nettin, full stop. In this poem, the poet thinks over. The poet thinks over his lost childhood. The poet thinks over his lost childhood. Full stop. He thinks about the moment. He thinks about the moment where he lost his childhood.
where he lost his childhood. Full stop. At first, he considered that CONSIDERED. At first, he considered that perhaps PERHAPS. Perhaps का मतलब क्या होता है? शायद. Perhaps it was the day. When he ceased to be eleven, or realized that hell and heaven, HEAVEN, और hell का HELL, hell and heaven did not exist, did not exist, full stop. They are not found in book of geography. Full stop. The poet again thinks that he lost his childhood when he realized that adults are not as they show off show off, जैसा कि वो दिखाते हैं. फुल स्टॉप. दे टॉक ऑफ लव but do not act with love. Full stop. The poet also felt that he lost his childhood when he considered that his mind was his own. Full stop. Nobody had the control over it.
इट आई टी फुल स्टॉप. एट लास्ट द पोएट एट लास्ट द पोएट आस्क्ड a question that where did his childhood go full stop. He concluded concluded he concluded that it had gone to some forgotten place forgotten forgotten place which can be found on the face of an infant 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 का मतलब क्या हो गया बच्चा इसको समझ रहे हैं on the face of an infant full stop कर दीजिए. ये समझ रहे हैं लैंग्वेज को दिक्कत है इजी है. हम आपको 10 क्वेश्चंस दे रहे हैं जो कि आप सॉल्व करेंगे ऑन द स्पॉट. ठीक है डीपीपी अलग से मिल जाएगा लेकिन अभी ऑन द स्पॉट सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं. राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा जो यहीं पर तुरंत बना देना आपको. ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा सब एमसीक्यू बेस्ड टाइप का है. पहला क्वेश्चन लिखिएगा हु इज द कंपोजर ऑफ चाइल्डहुड. नेक्स्ट व्हाट इज द बेस ऑफ द पोयम बी ए एस ई बेस मतलब समझते हैं आधार. व्हाट इज द बेस ऑफ द पोयम. नेक्स्ट At what age did the poet feel he had lost his childhood? At what age did the poet feel he lost his childhood? Next. Next, what can the poet not find in Book of Geography? Next. What does the poet think about hell and heaven? Next. What does the poet think about? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट एडल्ट्स. कितना क्वेश्चन हुआ सिक्स. ओके हाउ डू द एडल्ट्स एक्ट हाउ डू द
एडल्ट्स एक्ट. हाउ डू द एडल्ट्स एक्ट. एक्ट एक्ट ए सी टी. हाउ डू द एडल्ट्स एक्ट. नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट. What does the poet think about his mind? What does the poet think about his mind? Next. Which question does the poet ask? Which question does the poet ask? Which question does the poet ask in every stanza? Which question does the poet ask in every stanza? Which question does the poet ask in every stanza? Last question likhiyega. Where did the poet find? Where did the poet? Tenth number hai na? Where did the poet find his childhood? Where did the poet find his childhood? लिख लिए. You got 7 minutes to solve it. आपको खुद सॉल्व करना है. 7 minutes आपके पास. Done.
स्टैंड अप और सुन नेम ओके फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ज्योति जी हु इज कंपोजर ऑफ ओके व्हाट वाज द आंसर टेल मी क्या लिखा आपने मार्कस नेटिन टेक योर सीट नाउ टेक योर सीट नाउ सेकंड वन सेकंड वन यू वांट टू टेल नहीं उनको मौका देते हैं व्हाट्स योर नेम बोलिए क्या है सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द बेस ऑफ द पोयम क्या लिखा आपने आंसर सच्ची जी क्या नहीं लॉस्ट चाइल्डहुड क्या करना था सेकंड में लॉस्ट चाइल्डहुड बैठ जाइए लॉस्ट चाइल्डहुड अंडरस्टैंड ओके चलिए थर्ड वन यू वांट टू टेल स्टैंड अप क्या है तीसरा क्वेश्चन हाँ 11 इयर्स वाह सबसे इजी वाला सेक्शन तुम्हें पकड़ लिया था 11 इयर्स ओके टेक अ सीट नाउ फोर्थ का आंसर आप दीजिए यस आप यस फोर्थ का आंसर क्वेश्चन पहले हमको बता दीजिएगा हाँ अच्छा थर्ड का 11 सब लिखे हो ना ओके दैट्स नाइस ठीक है फोर्थ का बोलिए हाँ एक्सेलेंट टेक अ सीट नाउ क्या नहीं मिल सकता उसको ज्योग्राफी हेल एंड हेवन योर फ्रेंड क्या नाम है आपका जी रिद्धि जी बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट हेल एंड हेवन क्या सोचते हैं वो हेल एंड हेवन के बारे में क्या सोचते हैं वो दे डू नॉट चलिए टेक अ सीट नाउ दे डू नॉट एग्जिस्ट कि वो प्लेस जो है एग्जिस्ट करता ही नहीं है ओके दैट्स नाइस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे डू नॉट एग्जिस्ट किया आप लोगों ने ये फोर्थ नंबर का था थर्ड फिफ्थ दे डू नॉट एग्जिस्ट नेक्स्ट उनको बोलिए फर्स्ट सिक्स नंबर का सिक्स हा बैक पेन करवा देगा यार सिक्स ओके सिक्स स्टैंड अप यस व्हाट्स योर नेम सिक्स नंबर का आंसर बताइए आप नहीं नहीं पहले क्वेश्चन बता दो हमको पहले हमको क्वेश्चन बता व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट एडल्ट क्या बताया आंसर इतना लंबा नहीं बनाना है सीधा दे डोंट एक्ट एज दे सो ऑफ बस हो गया एडल्ट के बारे में क्या सोचते वही था क्वेश्चन तो दे डोंट एक्ट एज दे सो ऑफ इतना ही बनाना था वैसा एक्ट नहीं करते हैं जैसा कि वो सो ऑफ करते हैं जैसा कि वो दिखाते हैं दैट्स ऑल टेक अ सीट नाउ सेवेंथ ये सिक्स था ना सेवेंथ आप बता दीजिए गर्ल इन मास्क COVID-19 वेट आपका क्वेश्चन क्या था हाउ डू द एडल्ट्स एक्ट दे एक्ट ऑफ लव बट दे एक्ट ऑफ लव दे मैंने एक्ट कैसा करते दे डू नॉट एक्ट लविंगली ऐसा भी कर सकते हैं आप मैंने हम क्वेश्चन ये दिए हैं कि एडल्ट्स कैसे एक्ट करते हैं तो कैसे एक्ट करते हैं दे डू नॉट एक्ट हम लोग को बनाना पड़ेगा मतलब हम लोग को क्या बनाना होगा They do not act with love.
बैठ जाओ. दे डू नॉट एक्ट विथ लव. सीधा सा सिंपल सा आंसर यही दे देना, दे डू नॉट एक्ट विथ लव. ओके नेक्स्ट वन आप बताइए. क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट हिज माइंड. क्या बनाया? वेट अ मिनट, क्या बनाया आपने? नहीं, हिज माइंड इज हिज ओन. हिज माइंड इज हिज ओन. हिज माइंड इज हिज ओन कर देना बस. हिज माइंड इज हिज ओन. वहां तो ऐसे ऑप्शंस मिल ही जाएगा आपको, लेकिन यहां क्या कर देना है? हिज माइंड इज हिज ओन. ओके नेक्स्ट वन बैठ जाओ. आप बताइए. मैन इन चेक. यस, नाइन नंबर का है. नाइन नंबर का बताइए. बहुत इजी क्वेश्चन था आपका. नाइन नंबर का क्वेश्चन तो हमको बता दो. एवरी स्टेंजा. कितना इजी क्वेश्चन है. विच क्वेश्चन डज द पोइट आस्क इन एवरी स्टेंजा. बताओ हर स्टेंजा में पोइट ने कौन सा क्वेश्चन किया है? व्हेन डिड. बस हो गया, बैठ जाओ. व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो. आंसर लिख लेना, क्वेश्चन ही है. व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो. व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो. नेक्स्ट बताइए, लास्ट क्वेश्चन. कहां पाता है? ऑन द फेस ऑफ इन्फेंट. ऑन द फेस ऑफ इन्फेंट. ऑन द फेस ऑफ इन्फेंट. अंडरस्टूड? ओके. टुमोरो द सेक्शन विल बी सेंटेंस एंड वर्ब एंड वन मोर चैप्टर ऑफ लिटरेचर. कल फिर से हम लोग का कौन सा सेक्शन है? ग्रामर का. और कल कौन सा फिर से हम लोग का चैप्टर चलेगा? ग्रामर सेक्शन में हम लोग थोड़ा सेंटेंस वर्ब और टेंस पे चले जाएंगे. कल थोड़ा सा ऑरल प्रैक्टिस करते हैं अपने आप को क्या. और लिटरेचर का आपका एक चैप्टर हम लोग फिर से कर लेंगे, एक पोएम और, द वॉइस ऑफ रेन, सो दैट कि आपके पास चार चार कंप्लीट रहे. मैंने पहले दो कंप्लीट कराया है. पहले कितना हुआ है लिटरेचर में? रंगास मैरिज और एल्बर्ट. रंगास मैरिज और एल्बर्ट ना. और दो पोएम हो जाएगा. कल अगर दूसरा पोएम पढ़ा देते हैं तो वो भी हो जाएगा, है ना. तो विशिंग अ वेरी ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू. एंजॉय योर डे. आई विल मीट यू टुमारो. ओके, सी यू ऑल.